ये जो आप देख रहे हो स्वागत के लिए उत्सुक बादल हैं, क्योंकि आषाढ़ जाने को है और सावन आने को है, और सावन के स्वागत के लिए मेघों ने पहाड़ों की चोटियों पर डेरा डाला हुआ है। सो पैंडेमिक की बुरी यादों से भी उभरना अब जरूरी है और भीड़भाड़ में जाने से भी बचे रहना है। तो आज संडे के दिन हमने डिसाइड किया कि किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ भीड़भाड़ कम हो। ये यहाँ फोटोशूट के इंतजार में अपने अपने हम एक कैमरामैन प्लस ड्राइवर प्लस भैया लेके चलते हैं। परी कैसा लग रहा है ये बादल देख के? ये तो मतलब एकदम स्पीचलेस हो गई है, एकदम स्पीचलेस। तू बता कैसा लग रहा है भाई? इतना अच्छा, इतना ज्यादा अच्छा मैं बता भी नहीं सकती हूँ। ये फील ही कुछ और है। हाँ मतलब जैसा आंखों से दिख रहा है ना, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। हाँ परी अभी शर्मा रही है गाइस, कोई बात कुछ नहीं है, वो अभी बहुत शर्मा रही है। थोड़ी देर में हम आपको उसका असली रूप दिखाएंगे। ये था असली रूप। भैया अभी सबसे महंगा इंसान घूम रहा है यार। मेरी चप्पल उपल नहीं लेना, बस ये ऊपर ऊपर का लोन और फिल्टर लगा देते हैं, पिंपल भी दिखेगा। दुख का खत्म नहीं होता बे। इसको बादल वादल से लेना देना ही नहीं है यार, इसको अपने पिंपल की पड़ी है। पिंपल पिंपल पिंपल, बस यार चुन्नू की फोटो खींचेंगे। ओ भाई ओ भाई, अरे भाई ये वीडियो मेरे को दे दियो यार। हाँ ये कैसे कूटती थी इसे भी तो पता चल रहा था। ओपी परी क्या ये तो तू है, ये तो तू है, तू है नॉट मी। परी कह रही वो ब्लैक वाली तू है, वो व्हाइट वाली मैं हूं। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की बकरी की, चुन्नू कह रही मुझे दे देना। परी कह रही हां इसे भी तो पता चलना चाहिए ये कैसे कूदती थी। चुन्नू पकड़ी, चुन्नू तेरे साथ तो लॉल हो गया। ये ले ये ले, तो हमने डिसाइड किया लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। मौसम भी सुहाना है और ये शहर भी। उसका मन तो कर रहा है कूद जाऊं खिड़की से, सच्ची में। अरे हम सोच रहे थे कोई नहीं होगा, पर बाद में पता चला ये लोग भी यही सोच कर आए हुए थे। पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर ये आ तो जाती है और फिर ऐसे घूमती है, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के, बस कुछ भी बोला था। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, काम पे जिसके हम भैया को लाए हैं। कूद मत जाइयो यहाँ से फोटो खींचने के चक्कर में कि अरे नदी अच्छी लग रही है, नदी अच्छी, जंप ही मार ले। हाँ बस बस इसको इसलिए नहीं ला रहे थे। जगह सुंदर है वैसे, आना जरूरी नहीं, पर मन हो तो आप भी सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वही सहस्त्र धारा वाली नदी है, और जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि वहाँ भीड़ भाड़ के कारण पानी कितना गंदा था, पर यहाँ भीड़ भाड़ ना होने के कारण पानी कितना साफ है। वैसे इस मौसम में मेरी आपको सलाह है कि ऐसी जगह पे मौसम की जानकारी लेकर ही जाओ, और अगर कोई ऑरेंज अलर्ट हो तो अपना प्रोग्राम थोड़ा पोस्टपोन कर दो, नदी आपको वहीं मिलेगी। अब हमें अगली बार परी का घर पत्थरों का बना हुआ दिखाई देगा। वो भी पांच पत्थरों से। अच्छा पेंट करेगी तू इनमें? वाओ यस वेरी आर्टिस्टिक।